आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चावल और गाजर से बनने वाली बिल्कुल नई रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 500 ग्राम गाजर ले ली है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो के पील कर लिया था। अब एक मोटा वाला ग्रेटर ले लेंगे। ग्रेटर लेने की वजह यह है मोटे वाले की कि इससे हमारे लच्छे जो हैं बहुत अच्छे बन के निकलेंगे, इसलिए मोटे वाले ग्रेटर का ही आप यूज़ करिएगा। जो बड़ा वाला ग्रेटर होता है ना, मोटा वाला हिस्सा, उसी का आप यूज़ करिएगा। इससे लच्छे बहुत ही सुंदर निकलेंगे और हमारी रेसिपी बहुत बढ़िया बनने वाली है इस तरीके से। और इस रेसिपी को आप सर्दियों में बहुत इंजॉय कर सकते हैं। अक्सर हम लोग गाजर का हलवा तो बना के खाते ही हैं, पर इस तरह से गाजर की नई रेसिपी भी एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। देखिए, गाजर के लच्छे हमने बना के तैयार कर लिए हैं। अब ये थोड़े से मैंने चावल पानी में पहले ही भिगो के रखे थे, 2 घंटे से मैंने भिगो लिए थे। ये अच्छे से फूल भी चुके हैं। बिल्कुल थोड़े से एक मुट्ठी चावल मैंने लिए थे और ये मैंने जो काजू हैं वो भी भिगो के रखे थे। इससे इस रेसिपी में टेक्सचर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आने वाला है। तो इस रेसिपी को मैं पहले ही कह रही हूँ, फटाफट से आप ट्राई ज़रूर करिएगा। अब लेंगे एक मिक्सर का जार और भीगे हुए चावल को इसमें हम ऐड कर देंगे। साथ ही साथ जो हमने काजू भी भिगो के रखे थे वो इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको हम पीस लेंगे। इसका मतलब एक पेस्ट बना लेना है। दोस्तों, अगर इसे रेसिपी को अगर एक बार आप सर्दी में बनाकर खा लेंगे ना, तो अब पूरा साल आपको लगेगा कि इस रेसिपी को हम बार बार बना के खाएं। इतनी टेस्टी, इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के तैयार होती है। आप जिसको भी खिलाएंगे ना, वो पूछेगा इस रेसिपी को आपने बनाया कैसे। तो उम्मीद करती हूँ इस रेसिपी को आप ज़रूर एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। अब एक ले लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में हमने गाजर को डाल देना है। जो गाजर के लच्छे हमने तैयार किए हैं इसमें हम डाल देंगे और गाजर के लच्छों को इस तरीके से आप फैला के डालिएगा। इससे क्या है, इसका टेक्सचर जो है ना लच्छों का, बहुत ही बरकरार रहेगा और हमारी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी देखने में, और खाने में तो बहुत ही अच्छी है, लजीज है ये रेसिपी। अब गाजर को हमने इस तरीके से फैला दिया है। साथ ही साथ इसमें हम थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करिएगा। मैंने आधे कप से भी थोड़ी सी कम चीनी ऐड करी है। अब इसको हम ढक के रख देंगे। ढक के रखने का मेथड ये है दोस्तों कि इससे क्या होगा, इसकी भाप से ना गाजर भी पक जाएगी और चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। इसमें अच्छे से इसमें चीनी जो है, गाजर और जो चीनी का पानी है ना, वो भी एकदम सूख जाएगा और गाजर हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। देखिए, मैंने इसको ढक के रखा था, गाजर भी सॉफ्ट हो गई है। अब इसको अच्छे से आप मिक्स करेंगे तो बिल्कुल देखिए गाजर जो है बिल्कुल परफेक्टली सॉफ्ट हो जाएगी। और जब हम इसको पकाएंगे ना दूध में, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इस रेसिपी को बनने में। बहुत ही झटपट ये रेसिपी हमारी बनके तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमने गाजर और चीनी को इकट्ठे ही हमने अच्छे से इसको मिक्स करके पका लिया है। बहुत ही सॉफ्ट है ये इस टाइम पे। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से जब आप इस रेसिपी को खाएंगे ना, बिल्कुल टूटी फ्रूटी वाला आपको टेस्ट आएगा। एक बाइट आएगी जो मुंह में जाते ही ना घुल जाने वाली है। अब इसमें हम डाल देंगे दूध। ये मैंने 1 लीटर पहले से ही उबला हुआ दूध लिया है। आप चाहें तो कच्चा दूध भी इसमें ले सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी इसमें। आप जैसा मर्जी आप इसमें दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूध डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है और इसमें एक उबाल आने देंगे। अब बहुत अच्छे से इसको उबाल आने देना है, मतलब दूध को अच्छे से हमको काढ़ लेना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इलायची डाल देंगे। मैंने 2 इलायची को इस तरह से ऐसे ही डाल दिया है। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमने चावल और काजू का जो पेस्ट बना के रखा था ना, वो भी इसमें डाल देंगे, क्योंकि गाजर के साथ ही ये जो चावल है ये भी अच्छे से पक जाएंगे और बहुत ही टेस्टी हमारी रेसिपी इससे बन के तैयार होने वाली है। दोस्तों, सर्दियों में अक्सर हम लोग गाजर का हलवा तो बना के खाते ही हैं, पर एक बार इस डिलीशियस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही क्रीमी क्रीमी टेक्सचर की ये रेसिपी बनती है, बहुत ही रिच फ्लेवर आता है इसका। ये देखिए, करते करते ना दूध में उबाल आते आते कम से कम मुझे 15 से 20 मिनट हो चुके थे। अच्छे से कर चुकी है। साइड की जो मलाई है ना, उसको भी अच्छे से आप कुरच के इसमें दूध में ऐड करते जाइए। बिल्कुल ही मलाईदार रबड़ीदार ये जो है ना गाजर की खीर जो है ना बन के तैयार हो जाती है और इतनी टेस्टी लगती है ना दोस्तों। एक बार अगर आप इस रेसिपी को बना लेंगे ना, तो बार बार आपका मन करेगा इसी रेसिपी को बनाने का। गाजर के हलवे से भी बहुत ज़्यादा शानदार ये रेसिपी बन जाती है और मुंह में जाते ही जो इसका टेक्सचर आता है ना, बहुत ही लजीज है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, पर एक बार इस रेसिपी को एक बार आप बना लेंगे ना, तो आपको खुद पता चलेगा कि कितनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसमें हम डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप इसमें कंडेंस मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। अब लगातार इसको चलाते रहेंगे। अभी आपको गुठलियाँ दिख रही होंगी इसमें,
मिल्क पाउडर की, पर जैसे जैसे आप इसको चलाएंगे ये दूध के साथ पकेगा, वैसे वैसे इसकी गुठलियाँ जो हैं बिल्कुल कम होती जाएंगी और बिल्कुल अच्छा सा फाइन टेक्सचर आपको, क्रीमी क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा, बिल्कुल खोए वाला टेक्सचर आपको। ये देखिए दोस्तों, गाजर के हलवे से भी कई गुना स्वादिष्ट हमारी गाजर की जो खीर है वो बन के तैयार हो सकी है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, कितना ही क्रीमी क्रीमी बिल्कुल रबड़दार मलाईदार हमारा टेक्सचर बनके तैयार हुआ है। साथ ही साथ इसमें हम ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देंगे जो आपको पसंद हो। बहुत ही टेस्टी लगती है ये रेसिपी। गाजर का हलवा तो अक्सर हम बना के खाते ही हैं, तो इस बार कुछ नया ट्राई करती हैं। तो मैंने इस बार गाजर की खीर बना के आपके सामने रखी है। देखिए कितनी ही स्वादिष्ट ये खीर बनती है। तो इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही रबड़ीदार, बहुत ही मलाईदार ये खीर जो है हमारी बनके तैयार होती है। बिल्कुल कम समय में ये बनके तैयार हो जाती है। मात्र आधा घंटा में मेरी जो ये खीर है ना गाजर की बनके तैयार हो चुकी है। और जब मैंने इसको अपने घर में खिलाया सबको बहुत पसंद आई। तो अगर आप भी इस रेसिपी को बनाएंगे तो आपके घर में भी ये रेसिपी को बहुत पसंद किया जाएगा। अब हमने इसको गर्मा गर्म सर्व कर लिया है। आप चाहें तो इसको गर्म गर्म खा सकते हैं या फिर इसको ठंडा करके भी खा सकते हैं। दोनों ही में इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी बनती है। तो इस रेसिपी को एक बार आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा मेरे चैनल को। तो इस गाजर